स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसको आपको सुनना ही चाहिए यहाँ पर, और अगर आप सुनेंगे तो आपका भविष्य में काम आएगा, इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊँगा कि आपको लगेगा हाँ कि ज़िंदगी मायने ऐसे रखती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ 12वीं के बाद आप सेना में भर्ती होने के लिए, आप तीन तरीके से सेना के अंदर भर्ती हो सकते हैं, तीन तरीके से अधिकारी बन सकते हो यहाँ पर। दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा आपको अंधेरा सा कभी नज़र आ रहा हो, बट फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा जो 12वीं के पास करने के बाद क्या अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी अपने अच्छे भविष्य और नौकरी को लेकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपने करियर की योजना बनाते हैं यहाँ पर। ऐसे में क्या होता है, विद्यार्थी अलग अलग विषयों के अलग अलग फील्ड में जा कर के उनके आधार पर क्या अलग अलग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र एक एरिया ऐसा भी है जिसमें आप जहां आप 12वीं के बाद अपना क्या कैरियर बना सकते हैं। ये क्षेत्र कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, उसके बारे में आपको बता दूँ, वो है भारतीय सेना। यानी कि भारतीय सेना में शामिल होने का जो उनकी जो च्वाइस होती है वो एक इसमें से एक है। तो भारतीय सेना में शामिल होना और हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात होती है। सेना में आपको जो है मातृभूमि की सेवा के साथ साथ जो है सरकारी नौकरी करने का भी अवसर यहाँ पर मिलता है, इसलिए हर साल जो है लाखों युवा क्या है इस जो है सेना भर्ती की यानी कि मिलिट्री की जो है तैयारी करते हैं। 12वीं पास विद्यार्थी सेना में भर्ती होकर अपने एक बड़े मुकाम पर पहुँच सकते हैं, यानी कि वो लेफ्टिनेंट के तौर पर एक अधिकारी का रैंक यहाँ पर क्या है, एक अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में आप जानेंगे कि आप किस तरह से एक सैनिक के अंदर एक अधिकारी बन सकते हैं, एक आप लेफ्टिनेंट का रैंक कैसे ले सकते हैं। तो कक्षा 12वीं के बाद क्या होता है, सेना में भर्ती होने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, कैसे है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हम कैसे एक लेफ्टिनेंट रैंक में पहुँच सकते हैं, कैसे हम एक लेफ्टिनेंट रैंक से एक अपने अधिकारी के रूप में क्या कैरियर की शुरुआत कर, हम क्या उनके सुधार यू एस के अंदर क्या अपना कैरियर की शुरुआत कर क्या है उम्मीदवार जो है कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन मेजर मेजर के बाद आपके लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल उसके बाद कर्नल और उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद जनरल के पद तक आप पहुंच सकते हैं। हालांकि इसके लिए वर्षों तक की जी जोड़ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय सेना की जो भर्ती की जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर भी इसकी जानकारी जो है उपलब्ध आपको इसके अनुसार मिल जाएगी। उम्मीदवार 10 अलग अलग तरीकों से सेना के अंदर अधिकारी के तौर पर क्या है शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपकी आयु और शैक्षणिक योग्यता और मानदंड अलग अलग तय किए होते हैं, लेकिन जो इस बार मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 12वीं जो पास के बाद आप कैसे सेना में शामिल हो सकते हैं एज ए लेफ्टिनेंट उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो कक्षा 12वीं में पास करने के बाद आप उम्मीदवार जो हैं तीन तरीक़ों से सेना के अंदर क्या है भर्ती हो सकते हैं। इनमें से जो एक है वो है UPSC NDA एग्ज़ाम, और सेकंड है जो है इंडियन आर्मी टेक एंट्री स्कीम, और थर्ड है भारतीय सेना रैली। इनमें शामिल हो सकते हैं और यहाँ से आप क्या डायरेक्ट एक लेफ्टिनेंट के पद पर आप जो है रैंक को हासिल कर सकते हैं, उस अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। हालांकि 12वीं के बाद ही अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के लिए दो तरीके हैं, जैसे कि NDA एग्ज़ाम और क्या टेक एंट्री स्कीम यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो जो कि NDA यानी कि नेशनल जो डिफेंस यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है या नेशनल डिफेंस अकादमी है जो परीक्षा है सेना भर्ती के लिए, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की जो परीक्षा यानी कि NDA एग्ज़ाम का जो आयोजन संघ लोक सेवा आयोग की ओर से किया जाता है। UPSC NDA प्रवेश परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, जिसके तहत नौसेना अकादमी में भी क्या उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाता है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की जो है सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवार जो भारतीय सेना और नौसेना में आधिकारिक तौर पर जो है शामिल होते हैं। NDA प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों को 12वीं जो है पास करना अनिवार्य है, यानी कि 12वीं पास उनकी होनी चाहिए और उनकी आयु जो है 16.5 से 19 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद बात करूं मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की, तो भारतीय सेना में अधिकारी पद पर जो 12वीं के बाद शामिल होने के लिए दूसरा माध्यम कौन सा है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके तहत आपको जो है दो बार भर्ती कम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती है। इस स्कीम के तहत आवेदकों की जो आयु है कम से कम 16.5 से 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास जो है कक्षा 12वीं में जो है भौतिक रसायन विज्ञान यानी कि PCM विषय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसमें कम से कम उनके 70% अंक होने चाहिए।
इसके बाद बात करूं मैं सेना भर्ती रैली की, जो भारतीय सेना के जो रैली के तहत जो है नौकरी पाने के जो इच्छुक उम्मीदवार को क्या है रैली भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद अपना नामांकन कराना होता है। भारतीय रैली के माध्यम से भारतीय सेना के जो विभिन्न विभागों में जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर टेक्निकल, इसके अंदर क्या है आपको क्या करना पड़ता है, इनके पदों पर जो नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। उम्मीदवारों का चयन किसके आधार पर होता है, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षा और फिजिकल फिटनेस के आधार पर किया जाता है। जहां सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, वहीं सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग ऑब्लिक जो एन ए वेटनरी पद के लिए जो आपको विज्ञान यानी कि PCM के अंदर कक्षा 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आपके होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आई होप यहाँ तक बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को और लाइक कर दें, शेयर कर दें और भी लोगों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना जो कैरियर है इंडियन आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर बना सकें और एज एन अगर वो एज एन सोल्जर जाना चाहते हैं तो एज एन सोल्जर भी वो अपना कैरियर यहाँ पर बना सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।